मैं जैसे जैसे कराची के नज़दीक पहुंच रहा था तो मैं अपनी अगली प्लानिंग में लग गया। हालांकि मैं जब भी आधी टंकी पेट्रोल की होती है मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ पहले ही, और हमेशा टंकी को फुल रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब से मैंने ट्रैवलिंग शुरू की है, आज पहले दिन ऐसा हुआ है कि बीच रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हुआ है। भूल गए देखें कराची और ये पंजल मकान क्या है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम हैदराबाद सिंध। आज मेरे साउथ पाकिस्तान बाइक टूर सीरीज़ का चौथा दिन है और कल शाम को मैं यहाँ पे हैदराबाद सिंध काफ़ी लेट पहुँचा था, तो लेट पहुँचने की वजह से मैं सोया भी लेट और अभी उठा भी लेट हूँ। तो सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं इस वक्त। सामान मैंने अपना ऑलमोस्ट पैक कर लिया सारा, निकलने की तैयारी है। और आज मैं यहाँ हैदराबाद सिंध से जा रहा हूँ कराची की तरफ, जो कि यहाँ से 160 किलोमीटर है तकरीबन। तो कराची आज पहुँचने के बाद इंशाल्लाह मेरा साउथ पाकिस्तान सीरीज़ के सफ़र का पहला जो हिस्सा है वो कम्प्लीट हो जाएगा। कराची में इंशाल्लाह 2 दिन गुजारेंगे, कराची को एक्सप्लोर करेंगे, या 3 दिन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी 10 बज चुके हैं, तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलते चलते रास्ते में कहीं नाश्ता भी करना है, तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज अपने चौथे दिन के सफ़र का आगाज़ करते हैं और बाकी बातें रास्ते में होंगी इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले के एपिसोड में मैं किस तरह से कश्मीर से पहले सखर आया और फिर सखर से मैं हैदराबाद सिंध की तरफ आया मैं, तो इस वक्त जनाब मैं मौजूद हूँ हैदराबाद सिंध में। और हैदराबाद सिंध के अंदर आप ये मेरी लोकेशन देख सकते हैं पाकिस्तान के मैप के अंदर, मैं हैदराबाद सिंध में मौजूद हूँ। और आज यहाँ हैदराबाद सिंध से मैं जाऊँगा कराची की तरफ, जो कि यहाँ से बनता है तकरीबन 160 किलोमीटर। तो अपना सफ़र कराची की तरफ आगे जारी रखते हैं। हैदराबाद जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में से एक है, तो यहाँ भी कराची की तरह ऊंची इमारतें तो हैं, लेकिन बाकी सारे के सारा सिस्टम सफाई सुथराई का और बाकी हर तरह के जितने भी शहरी सहूलियात होती हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसे बाकी दूसरे शहरों में हैं। ऊंची इमारतें नज़र आती हैं, थोड़ी बहुत तरक्की नज़र आती है, बाकी सड़कें जो हैं वो कहीं पर अच्छी सड़कें हैं और जो गुंजानबाद इलाके हैं वहाँ सड़कें भी टूटी फूटी हैं, उनका भी कोई हाल नहीं है। तो मिक्स किस्म का माहौल है यहाँ भी। बाकी मैं अभी कराची सुपर हाईवे की तरफ जा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि आगे जैसे ब्रिज आया है तो सड़क भी टूटी फूटी है और कोई ट्रैफिक भी बिल्कुल बेहंगम है। तो मेरा सफ़र कराची की तरफ जारी है, जो कि यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर मज़ीद है। तो आगे कहीं पर रुकते हैं, रुक के यहाँ पर नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आगे अपना सफ़र कराची की तरफ जारी रखेंगे। बंद बोलते हैं अंदर, ये भैंसों का भाड़ा है, बच्चे दूध लेने आते हैं इसलिए रखते हैं वो। नहीं, भैंसों का भाड़ा हो। अभी कल मैं सखर बैराज पे था, मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है कि वो जो सखर का जो बैराज पुल है जो, सॉरी,
सखर रोड़ी का पुल, उसके नीचे भैंसे वहाँ बैठी होती है, वो ऑलमोस्ट एक बीच बनी हुई है वहाँ पे, जैसे समुद्र किनारे नहीं होता, ग्रेत होती है, बीच होती है नहाने के लिए बैठने के लिए। तो वहाँ पे मुझे हंसी भी आ रही थी कि यहाँ पे इंसानों को बैठना नहाना चाहिए, वहाँ पे भैंसे बैठी हैं, भैंसे नहा रही हैं। जी जी, सही बात। तो वो गवर्नमेंट कर सकती है, आम बंदा तो नहीं कर सकता ना। ये गवर्नमेंट का काम है कि उस जगह को अच्छा सा खूबसूरत सा करके बना दे, उस जगह को बीच बना दे, और ये भी तय कर दे आगे जाल लगा दे कि भाई इससे आगे आप पानी में नहीं जा सकते, आप डूब सकते हैं, इससे पीछे पीछे रह के नहाओ, जैसे समुंदर में बीच पे होता है। ये बंदे कुछ भी नहीं बोलते उसको। तो दरिया वो सखर खूबसूरत जगह है, लेकिन उसको गवर्नमेंट लेवल पे बनाया नहीं गया, सफाई का ख्याल नहीं है, सैर गए तफरी गए तो दरिया के किनारे होनी चाहिए, वो नहीं है। बिल्डिंगें कुछ बन गई हैं, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा देख के, सखर बदल गया है, सखर बदल गया, बहुत बदल गया। ये सामने तो नाजरीन, ये सामने हैदराबाद कराची मोटरवे, उसका ये टोल नाका है, सामने 500 मीटर रह गया आगे। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से यू टर्न करके वापस गया हूँ, क्योंकि पंजाब में केपीके में मोटरवे के ऊपर बाइक्स लोड नहीं है, तो मैं उसी हिसाब से बगैर किसी से पूछे मैं यहाँ से वापस चला गया था। जैसे मैं पीछे पहुँचा इंटरचेंज के ऊपर, तो मैंने वहाँ किसी से पूछा कि भाई नेशनल हाईवे नंबर 5 की साइड पर मैंने जाना है, देख तो मैंने लिया था तसली के लिए मैंने पूछा। उन्होंने कहा बाबा आप इधर से क्यों जाओगे नेशनल हाईवे से, आप मोटरवे से जाओ ना। तो मैंने उसको कहा भाई मोटरवे पे बाइक लोड नहीं है, उसने बोला अरे बाबा लोड है, कैसे लोड नहीं है, हम कह रहे हो ना लोड है तो जाओ तुम। तो मैंने जब एक बंदे से पूछा, दूसरे से पूछा, थी सब कह रहे थे बाइक लोड है। एक भाई तो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे वो कह रहा हो, जैसे वो कह रहा हो तुम जाओ मैं हूँ ना, कि जैसे मित्रों का नाम चल रहा है इतने भी। तो जनाब मैं वापस आ गया हूँ, वापस उसी जगह पे जहाँ से मैं घूम के वापस गया था, सामने हैदराबाद कराची मोटरवे है, वो सामने मैं जा रहा हूँ, और देखते हैं कि 10 बंदों ने गवाही दिया है कि बाइक यहाँ से मोटरसाइकिल यहाँ से कराची जाते हैं। तो मैं देखता हूँ आज कि अलाउड है कि नहीं है। बाकी दूसरे नंबर पर दूसरा रास्ता था ठट्टा की तरफ से, वो बड़ा लंबा पड़ता है दूसरे नंबर पर, वो रास्ता वह सड़क भी ख़राब है उस साइड पर। तो जाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं, अभी आप भी देख लेंगे कि बाइक से यहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, मित्रों का ना इतने चल रहा है कि नहीं चल रहा। कराची मोटरवे या हाईवे या सुपर हाईवे जो भी आप इसको कह लें, उसके ऊपर आ गया हूँ, किसी ने रोका नहीं है, किसी ने नोटिस नहीं लिया इस चीज़ का, तो मैं आ गया। मेरा हालांकि ये मोटरवे उस तरह से है भी नहीं, ये मोटरवे है भी और नहीं भी, ये वही सुपर हाईवे है, उसको थोड़ा सा बड़ा करके मोटरवे का नाम दिया हुआ है। ये छोटी सी फेंस वो दूर लगी हुई है, बाकी मोटरवे वाला ठीक है, मोटरवे मान लेते हैं इसको। तो ये जनाब ये बाइक खड़ी हुई है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये सामने रानी कोट फोर्ट जो है उसका बोर्ड लगा हुआ है, सामने साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, रानी कोट फोर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा किला है रानी कोट फोर्ट, जो कि आगे जाके रास्ता यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से निकलेगा। तो ये वो है, यहाँ पे मैं रुका था, तो यहाँ मैंने पानी की ब्रेक ली थी, पानी शानी पीते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। गर्म दिन है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है वैसे, लेकिन सर्दी भी नहीं है, मौसम सही कह सकते हैं इसको, अच्छा मौसम है। और इसके अलावा राजीव सामने देखें, यहाँ से शायद आपको वाजे नज़र तो नहीं आएगा, उस साइड पे विंड टर्बाइंस या विंड मिल्स लगी हुई हैं, हवा से चलने वाली पनचक्कियाँ। तो रोड से दूसरी तरफ हैं, थोड़ी है भी दूर, वापसी पे इंशाल्लाह हो सका तो मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ की चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। और लैंडस्केप बड़ी मुख्तलिफ है, लैंडस्केप बदल चुकी है बिल्कुल। तो जनाब ये है सामने हैदराबाद कराची मोटरवे या सुपर हाईवे जो भी कह लें, और उसके पार बड़ी खूबसूरत वादी नज़र आ रही है, बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ तो नहीं है, लेकिन पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बलूचिस्तान यहाँ पे साथ ही है, और पहाड़ियाँ जो शुरू हो चुकी हैं। और इस तरफ देखें, ये बाइक खड़ी हुई है, मैंने पानी की ब्रेक ली थी, पानी शानी यहाँ पर पी रहा हूँ। इस तरफ देखें ये किकरियाँ, और जिस तरह की ये जगह है, लैंडस्केप मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, और मुझे मिडल ईस्ट की फील आ रही है हैदराबाद के बाद से लेके अब तक मुझे, बल्कि सिंध के अंदर जब एंटर हुआ था भी
लैंडस्केप काफ़ी बदल गई थी, तो मुझे लिटरली ये मिडल ईस्ट में जो जगह है उनकी फील आ रही है मुझे। और अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप गौर से, ये जो दरख्त है, जो लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं या रह चुके हैं उनको पता है इस चीज़ का, ये जो दरख्त है ये मिडल ईस्ट के हर मुल्क में है। कुवैत में सबसे ज़्यादा ये, कुवैत में था मैं, बाकी मुल्क भी सारे देखे हुए हैं, सबसे ज़्यादा ये कुवैत में, बाकी जगहों में भी है। ये होटल ये देखे थड़ा, इसी तरह थड़े पर बैठ के खाना खाया जाता है, अंदर होटल है ये। और ये दरख्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, किकरियाँ वहाँ भी बहुत हैं, यहाँ भी बहुत हैं। ज़मीन देखें इसी तरह की, ऐसा लग रहा है ऐसे सऊदी अरब के किसी दूर दराज के इलाकों में, छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस तरह के, ये लाल रंग के, पीले रंग के, ऑरेंज कलर के पत्थर और ज़मीन मिट्टी उस तरह की। अभी यहाँ पर मैंने ब्रेक लिया 60 किलोमीटर के बाद, बल्कि मेरे तो 80 हो चुके हैं क्योंकि मुझे चक्कर लगा के वापस जाना पड़ा था एक बार, तो यहाँ ब्रेक लिया मैंने। हैदराबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं, तो अभी कराची यहाँ से है तकरीबन कोई 100 किलोमीटर। तो नाज़रीन कहते हैं कि इंसान को ज़्यादा खुशी में या एक्साइटमेंट में होश नहीं गंवाने चाहिए। मैं जैसे जैसे कराची के नज़दीक पहुंच रहा था तो मैं अपनी अगली प्लानिंग में लग गया। हालांकि मैं जब भी आधी टंकी पेट्रोल की होती है मैं पेट्रोल डलवा लेता हूं पहले ही, और हमेशा टंकी को फुल रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब से मैंने ट्रैवलिंग शुरू की है, आज पहले दिन ऐसा हुआ है कि बीच रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हुआ है, और गलती उसमें मेरी थी। रिज़र्व लगाया, मैंने रिज़र्व लगा दिया है और ये अपने बात दिमाग में रखी है कि आगे जाके पहले पेट्रोल से पेट्रोल डलवा लेना है। मैं वहाँ रुका, पानी से नहीं पिया, लेकिन भूल गया। देखें कराची और ये पंजल मकान क्या है, बिजार। लेकिन चलो, जहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हुआ है शुक्र है कि दूसरी साइड पर ही है, लेकिन पेट्रोल पम्प नज़र आ रहा है। अभी भी यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है वो, लेकिन जाते हैं वहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन यही अगर कोई 5-10 किलोमीटर पीछे ख़त्म होता तो ज़्यादा ज़रारत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आबादियाँ दूर दूर हैं और यहाँ तो पेट्रोल पंप इकट्ठे एक जगह पे आ जाते हैं 5-7, और यहाँ दूर दूर तक है ही नहीं। तो जहाँ पे इस साइड पे तो नहीं है, दूसरी साइड पे है। अभी पेट्रोल वहाँ से डलवाते हैं और आगे चलते हैं। देखे बकरे कैसे बांधे हुए हैं, कैसे ज़ालिम लोग हैं यहाँ। इस तरफ सारी किकरियाँ, और वो सामने है हैस्कोल का पेट्रोल पंप। तो अभी मुझे ये दीवार, ये रोड और ये उसका ये डिवाइडर टाप के जाना पड़ेगा दूसरी तरफ, और वहाँ से जाके किसी बोतल में पेट्रोल लेके आता हूँ, उसमें डालते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, और पेट्रोल लेके वापस टाप के आना पड़ेगा मुझे इस तरफ। तो चलिए चलते हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे ही गाड़ियाँ कम होती हैं, क्योंकि ये मोटरवे टाइप है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा गाड़ियों की, उसके बाद हम टाप के, ये हमने डिवाइडर टाप लिया और ये हम भाग लिए। तो रोड कर लिया है जी क्रॉस, पानी भी पीने का। आज गर्म दिन है, वो लड़का बोतल में अपने लिए पेट्रोल डाल रहा है, मैं बोतल में पानी डाल रहा हूँ, और बाइक अपनी खड़ी है वो रोड के उस पार। कोई बात नहीं, इसी में एडवेंचर है, ट्रैवलिंग में एडवेंचर नहीं होता रहता है। हाँ जी, कितने पैसे हो गए? 230। अच्छा, आगे पेट्रोल पंप कितना दूर है उस साइड पे, है कोई? आगे भी हाँ ठंड है। कितना दूर होगा आगे? आगे 15-20 किलोमीटर। चलें इतना तो पहुँच। चलें जी, पीने के लिए पानी भी मिल गया और बाइक के लिए पेट्रोल भी मिल गया। अभी जल्दी से जाते हैं, उससे पहले कि मेरा सामान ना कुछ आके ले जाओ, तो क्योंकि साइड पे है जंगल ही सारा। पचले तो भाई साहब, अभी ये मुझे दीवार टाप नहीं है,
और ये हमने कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। ये देखो भाई, बाइक अपनी वैसे की वैसे खड़ी हुई है, पेट्रोल भी बड़े तरीके से डालो। साबुन तो मेरे पास, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं बना। सिंध जिए सिंध वारा जिए, सिंध टोपी अज रखवारा जिए, ओ वाला। तो नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं कराची के मज़ाफ़ात में, और इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हुआ मैं, ये है बहरिया टाउन कराची। ये सामने बहरिया टाउन का मेन गेट है, ये सामने बहरिया टाउन की स्काईलाइन, खूबसूरत स्काईलाइन है, खूबसूरत इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, आगे जाके और भी बेशुमार हैं, खूबसूरत जगह है बहरिया टाउन के। बाकी जो मामलात हैं आवाम के साथ ये जो भी हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन बहरिया टाउन वाकई बहुत खूबसूरत टाउन है। और देखें ये इसके स्काईलाइन जो है, और ये तो मैं बहुत बता चुका हूँ कि जिस शहर में बड़ी इमारतें हों मुझे वो शहर बहुत पसंद होते हैं। इसके अलावा इस तरफ देखें, ये मैंने पीछे भी बहुत जगह पे देखा है, ये भी सामने है। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीनी शायद सफ़ेद रंग का पानी है, और हो सकता है कि समुंदर का पानी यहाँ तक आया हुआ है, या हो सकता है सेम का पानी है। पीछे भी काफ़ी जगह में देखा है मैंने, क्योंकि कराची के पास समुंदर जो है कई जगहों पर कटा फटा अंदर आया हुआ है, खुश्की के अंदर वगैरह वगैरह। तो ये है जी बहरिया टाउन कराची, खूबसूरत इमारतें हैं। बाकी बैरियर टाउन के मामला जो भी हैं वो जाने, उसकी अदालतें जाने, और आवाम जाने, और वो लोग जाने जिन्होंने अपने पैसे बैरियर टाउन में फंसाए हुए हैं। तो कराची यहाँ से है तकरीबन 30-35 किलोमीटर शायद रह गया है, इससे भी कम है। तो चलते हैं आगे कराची शहर की तरफ, जाके कोई होटल देखते हैं, वहाँ पर सामान रखते हैं वहाँ पर, और उसके बाद कराची बिरयानी खाते हैं, या उससे पहले खाते हैं देख लेते हैं उसको, कराची बिरयानी खानी है। उसके बाद आज शाम को मैं थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो आपको दिखाएंगे कराची में मैंने क्या शॉपिंग करनी है। तो नाज़रीन, बिलाआख़िर 200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मैं कराची पहुंच गया हूं। सफ़र तो वैसे 60 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन क्योंकि शहर के अंदर काफ़ी मुझे आना पड़ा है और वहां भी मुझे वापस जाना पड़ा था एक बार, तो कराची में पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूं, जो मेरे साउथ पाकिस्तान सीरीज़ का टूर का जो पहला मेरा मरहला था वो कम्प्लीट हो गया और मैं कराची पहुँच गया हूँ। वज़ीराबाद से तकरीबन 1400 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर मैंने होटल में चेक इन कर लिया है, सामान वगैरह रख लिया है, नहा धो के फ्रेश हो गया मैं। तो अभी चलते हैं बाहर जाके खाना खा के आते हैं। खाना तो मैं कराची बिरयानी चाहता हूँ, फूड स्ट्रीट यहाँ से नज़दीक ही है, चलते हैं वहाँ पे। दूर तो मैं कहीं जाऊँगा नहीं, पैदल ही जाऊँगा, थोड़ा सा यहाँ पे नज़दीक ही है। अगर कराची बिरयानी मिलेगी तो वो खाएंगे, तो कुछ और खाएंगे, खाना खा के वापस आते हैं और आगे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ भाई, बस का इंतज़ार हो रहा है, फूड स्ट्रीट जाना है उसके लिए बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बाइक लेके नहीं जा रहा मैं, क्योंकि बाइक खड़ी हुई है और मेरा पैदल चलने का मूड था, लेकिन भाई ने फिर बताया कि पैदल जाना सेफ़ नहीं है, तो आप बस पे चले जाएँ। तो रिक्शे पे जा सकते हैं, लेकिन बस पे जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया बस पे सफ़र नहीं किया, आज बस पे जाते हैं। बस का वेट करने की बजाय मैं रिक्शे में बैठ गया हूँ, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो रिक्शे पे चलते हैं, खाना खा के आते हैं। रिक्शे में भी काफ़ी दिनों के बाद बैठा हूँ, बड़ा अजीब भी लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा है।
ये आगे सामने का मंजर देखें, कैसे लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल के लिए, 140 रुपए लीटर। जनाब कराची की फूड स्ट्रीट, यहाँ पे आ गए मैं कराची बिरयानी खाने के लिए, देखते हैं हमें मिलती है कि नहीं मिलती। जगह तो खूबसूरत लग रही है इससे तक, इसे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। यहाँ पे तो लाइटें हैं, बिल्कुल सिटी ऑफ लाइट्स ही है, और रोशनी है तो माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी तेज है। ये है वैसे उड़ा का भाई साहब, फूड स्ट्रीट भी बेहंगम है। यहाँ भी हमें देखे झगड़ा चौक बना हुआ है, चले अभी फोन में रख दो, ऐसा ना कोई यार बोले ला दे। जनाब ये बिरयानी का होटल नज़र तो मुझे आ गया है, ये है प्रिंस रोड की मशहूर बिरयानी। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं जाके कैसा मैार है, क्या हिसाब था इसका। नाते वाते लगी हुई है, अच्छा ज़बरदस्त। तो जनाब बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, कराची बिरयानी भी आ गई है, और कराची में बैठ के आप कराची बिरयानी जो इसका आनंद लेते हैं, इसे खाते हैं और देखते हैं कि कैसी है। इससे पहले कि ठंडी हो जाए मैं खा खूँ लूँ इसको। जनाब कराची फूड स्ट्रीट में ये है कराची हलीम एंड बिरयानी, यहाँ पे मैं आया था, बिरयानी खाई है, एक एक दाना देकर ख़त्म कर दिया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बिरयानी थी, और माहौल जो है वो तहिर ऊपर पर सिटी ऑफ लाइट्स में। और ये है हनीफ खान, अपना तारुफ जरा हटाए ना, जरा इसको बास को हटाए, जरा पर्दा हटा दे जरा। जी सर, आप ही अपना तारुफ करवाए जरा। सर मेरा नाम मोहम्मद अनीस खान है। ये अनीफ भाई ने बिरयानी हमें खिलाई है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, सर्विस भी ज़बरदस्त है, और माहौल की तो क्या ही बात है। आप जब भी यहाँ पे फूड स्ट्रीट में आए, कराची हलीम एंड कराची बिरयानी ज़बरदस्त है। शुक्रिया हनीफ भाई, थैंक यू।